स्टूडेंट्स वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इर्शाद इमरान आज हम लेक्चर नंबर 42 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैमडा फॉर विच आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा यानी हमने इस क्वेश्चन के अंदर लैमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हम कोई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते थे जस्ट वो जो होमोजीनियस इक्वेशन दी होती थी हम उसे सिर्फ सॉल्व करते थे इसमें आपने क्या करना है लेमडा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और ये जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है बेसिकली मैंने आपको बता दिया नॉन ट्रिवियल कौन से होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होता है तो स्टूडेंट आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा जो भी आपको लेमडा की वैल्यू निकलेगी उसकी मदद से इसका फर्स्ट पार्ट क्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस वाई माइनस लैमडा जेड इज इक्वल टू जीरो माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सबसे पहले हम हेयर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो स्टूडेंट ए मैट्रिक्स है वन 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 टू वन माइनस लेमडा वन टू एंड माइनस का टू तो स्टूडेंट ये आप लोगों के पास ए मैट्रिक्स है हम सबसे पहले फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन टेक ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोग को बताया था वहां पे लिखा नहीं था पर मैंने आपको बता दिया था कि जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं उनका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होता है और ऐसे होमोजीनियस इक्वेशन जिनका ए मैट्रिस का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है तो इट्स मीन वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने ए के डिटर्मिनेंट को जीरो के एक रख लेना तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड expand करेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर वन अगर आप फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करें तो देखें एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर वन तो आपका वन बाहर फर्स्ट रो क्योंकि मैंने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया तो ये वन बाहर ये रो और ये कॉलम छोड़ दें वन माइनस लेमडा टू एंड माइनस टू बेटा फिर उसके बाद माइनस फार्मूले का आपके पास वन आ जाएगा अब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दें टू माइनस लेमडा वन एंड माइनस टू फिर अब बारी आएगी प्लस वन के और फर्स्ट रो लास्ट कॉलम छोड़ दें टू वन वन एंड टू इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट इसको हम सिम्प्लीफाई करें तो ये क्या है सिंप्लीफाई करने का तरीका कर बता दूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट माइनस का टू और ये बन जाएगा प्लस का टू लेमडा वन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं माइनस वन एज इट इज माइनस का फोर ये प्लस क्यों आया क्योंकि माइनस लेमडा बनता है वो प्लस हो जाएगा प्लस वन एज इट इज फोर और माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं माइनस टू प्लस टू लेमडा माइनस माइनस यानी माइनस वन को माइनस फोर से करें प्लस फोर और माइनस का लेमडा और प्लस का थ्री स्टूडेंट मजीद सिंप्लीफाई करें तो लैमडा प्लस फाइव बचता है और लैमडा की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट माइनस का फाइव तो ये है स्टूडेंट लेमडा की वैल्यू आप लोगों को क्या मिलगी माइनस फाइव तो student, आपने क्या करना है ये वैल्यूज जो है वो आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट कर देनी है या आप लोगों ने ए मैट्रिक्स में पुट कर देनी है स्टूडेंट पुट लेमडा इज इक्वल टू माइनस फाइव इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू जीरो यानी कि जहां पर आप लोगों के लेमडा था वहां पे लेमडा की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया माइनस का फाइव तो स्टूडेंट यहां से हम उसको इसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम इसको ए मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे हेयर ए इज इक्वल टू वन 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 टू वन फाइव वन टू एंड माइनस टू तो स्टूडेंट मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने सेम उसी पैटर्न पे जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने आप इसको क्या करते हैं एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है वो मेथड आप लोग को पता है स्टूडेंट आपने क्या करना है इस वन की मदद से इसको और इसको जीरो बनाना है यानी टू को भी जीरो बनाना है और वन को भी जीरो बनाना है आपने टू को जीरो बनाना है तो इसका तरीकाकार क्या है आर टू और अगर आपने वन को जीरो बनाना है तो इसका तरीकाकार क्या है आर र वन यानी कि आर थ्री में से आर वन को आप लोगों ने क्या कर देना माइनस कर देना तो स्टूडेंट आप लोगों के जो सेकंड रो और थर्ड रो है बाय आर टू माइनस टू आर वन यानी आपकी सेकंड रो चेंज हो जाएगी और थर्ड रो क्या है आर थ्री माइनस आर वन ये आप लोगों की यहां से थर्ड रो चेंज हो जाएगी तो स्टूडेंट आप लोगों की सेकेंड रो बन जाती है जीरो माइनस वन एंड थ्री और आप लोगों की जो लास्ट आपकी जो रो है वो जीरो वन एंड माइनस थ्री तो स्टूडेंट आप लोगों के जो फर्स्ट रो है वन 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 और आपकी जो सेकेंड रो है जीरो माइनस वन एंड थ्री और आप लोगों की जो थर्ड रो है जीरो वन एंड माइनस थ्री स्टूडेंट इसके बाद आप लोगों ने क्या कर रहे हैं कि आपकी जो सेकंड रो है इसमें माइनस वन जो आपको नजर आ रहा है इसको प्लस वन बनाना है क्योंकि फॉर्म के अंदर आप लोगों के मेन डायंगल के एलिमेंट्स का वन होना जरूरी है उस वन के नीचे आप लोगों ने जीरो बनाना है तो वन के नीचे जीरो बनाने का तरीकाकार क्या है सबसे पहले आप माइनस वन को वन बनाएंगे तो स्टूडेंट आप सेकेंड रो को क्या करें माइनस वन से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट आप लोग के जो ऑपरेशन है बाय माइनस वन इंटू आर टू यानी आप लोगों ने आर टू यानी सेकंड रो को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है तो अगर आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग है वो जीरो वन एंड माइनस का थ्री है यानी आप लोग है वो क्या बन गई जीरो प्लस वन एंड माइनस थ्री तो स्टूडेंट हमें ये प्लस का वन ही चाहिए था इस वन की मदद से मैंने क्या करना है इस वन को जीरो बनाना है ये जो आप लोग को वन नजर आ रहा है तो बेसिकली वन को जीरो बनाने के लिए जो इसमें ऑपरेशन यूज होगा वो बेसिकली मैं आपको बता दूं उसमें जो ऑपरेशन यूज होगा वो आर थ्री माइनस आर टू है तो स्टूडेंट इस तो इसके ऑपरेशन देख लें बाई आर थ्री माइनस आर टू तो वन में से वन निकालेंगे जीरो और माइनस थ्री और प्लस थ्री वो भी जीरो हो जाएगा तो स्टूडेंट तो तो आप देख सकते हैं वन 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 जीरो वन एंड माइनस थ्री जीरो 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 तो स्टूडेंट तो तो आपको नजर आ रहा होगी जो आपकी लास्ट रो है

और जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है जीरो एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट आप लोगों के पास दो इक्वेशन है और तीन अन वेरिएबल है एक x है एक y है, और एक z है यानी आप लोगों ने जो मालूम करना है उसमें वेरिएबल तीन है एक x है y और z है और, और आप लोगों के पास जो इक्वेशन है वो सिर्फ दो है और दो इक्वेशन से अगर आप लोग ने तीन वैल्यूज कैलकुलेट करना है तो ये पॉसिबल नहीं है तो इसलिए नॉन ट्रीवल सोल्यूशन की मदद से इसके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोलूशन होते हैं तो इन्फनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम जेड को लेट कर लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू टी देन इक्वेशन टू यानी आपकी इक्वेशन टू जो है वो आप क्या बन जाएगी वाई माइनस थ्री टी और वो माइनस का थ्री टी है तो नेक्स्ट टाइम में आपको पता है y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा प्लस का थ्री टी तो ये आपको वैल्यू मिलगी वाई इज इक्वल टू थ्री टी और z की वैल्यू आप लोगों ने लेट की भी है वो t t एक स्केलर क्वांटिटी है ये कांस्टेंट वैल्यूज है वो जो हमने बिलोंग करता है वो कहां से रियल नंबर में से तो स्टूडेंट आपके पास y की वैल्यू भी मिल गई z की वैल्यू भी मिल गई ये दोनों की दोनों वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन नंबर वन में पुट करने है तो अगर आप इक्वेशन नंबर वन में x प्लस वाई प्लस जेड यानी y की जगह थ्री टी और z की जगह t रिप्लेस करते हैं तो आप देख लें स्टूडेंट्स

और टी बिलोंग किससे कर रहा है रियल नंबर से तो अब जरूरी नहीं है कि आपने टी ही लेट करना है कोई भी वेरिएबल लेट आप कर सकते हैं कोई भी स्केलर क्वांटिटी लेट कर सकते हैं तो ये है क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट पार्ट जो आपका कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन था यहां में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी पहले लैमडा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की लास्ट लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर फोर में वहां पे आप लोगों को होमोजीनियस इक्वेशंस दी हुई थी वहां से जस्ट आप लोगों ने सोलूशन कैलकुलेट किया था यहां पर आप लोगों ने सोलूशन भी कैलकुलेट किया इसके अलावा लैमडा की वैल्यू भी आपने फाइंड किया नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकेंड पार्ट है यहां से भी आपने लैमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी, करनी है और इसके अलावा आप लोगों ने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की मदद से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसके अलावा आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व भी करना है तो इक्वेशन क्या है एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस लेमडा एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स वन प्लस लेमडा एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो है आपका क्वेश्चन सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे इसको कॉफिशंट मैट्रिक्स ऑफ ए यानी कि आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स है A वन फोर एंड लैमडा यानी मैंने पहली इक्वेशन के एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का कॉपिशन ले लिया आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन है टू वन माइनस थ्री इसके कॉपिशन लिख दिए और इसके पास जो तीसरी इक्वेशन है इसके कॉपिशन है थ्री लैमडा एंड माइनस का फोर स्टूडेंट तो सबसे पहले हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये देख सकते हैं फोर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्योंकि ये एमसीक्यूज भी है स्टूडेंट ये याद रखिएगा फोर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ए का डिटर्मिनंट किसके बराबर होता है जीरो के ये एंटीटेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का डिटर्मिनंट किसके बराबर होता है जीरो के तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे एक के मैट्रेसिस को इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या करना है जीरो के इक्वल ले लेना है तो इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो की मदद से ये है आप लोगों की फर्स्ट रो जिसकी मदद से हम एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर वन तो वन बाहर तो आप क्या करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर दे वन माइनस थ्री लेमडा एंड माइनस फोर ये आपका टू बाई टू के डिटर्मिनेंट में आ जाएगा फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस फार्मूले का इसके बाद फोर लिखा जाएगा फोर कहाँ पे आ रहा है आपके फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकेंड कॉलम में आ रहा है तो आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें टू माइनस थ्री थ्री एंड माइनस का फोर फिर प्लस फार्मूले का इसके बाद आ जाएगा और फर्स्ट रो लास्ट कॉलम आप छोड़ दें तो बाकी आपके पास वैल्यू बचती है एंड इज इक्वल टू स्टूडेंट इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें टू बाई टू का है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट आप देख सकते हैं माइनस फोर प्लस थ्री लेमडा क्योंकि वन को माइनस फोर से करें तो माइनस फोर प्लस यहां पे प्लस क्यों आया फार्मूले का माइनस था और एक मल्टीप्लाई करने की वजह से यहां पे माइनस तो माइनस थ्री लेडा को लेमडा से करें यानी माइनस थ्री को लेमडा से करें तो ये प्लस का थ्री लेमडा बन जाता है माइनस फोर एज इट इज वन को माइनस फोर से करें तो स्टूडेंट ये बन जाता है माइनस का फोर और माइनस थ्री को अगर आप लोग माइनस थ्री को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का नाइन एक फार्मूले का भी माइनस है तो ये बन जाता है प्लस का नाइन ये प्लस का लेमडा है और फिर टू को लेमडा से करें टू लेमडा और ये बन जाता है माइनस का थ्री इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं माइनस फोर प्लस थ्री लेमडा स्टूडेंट नाइन और यहां पर क्या है ये माइनस का एट क्योंकि ये टू है इसको टू को माइनस फोर से करें तो ये माइनस का एट ही है नाइन और माइनस एट किसके बराबर बचते हैं प्लस का वन और प्लस वन को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का फोर नेक्स्ट है बेटा लैमडा को टू लैमडा से मल्टीप्लाई किया जाए तो टू लेमडा का स्केयर और फिर लेमडा को माइनस से करें तो माइनस का थ्री लेमडा इज इक्वल टू जीरो तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पर माइनस का थ्री लेमडा और प्लस का थ्री लेमडा कैंसल टू लेमडा स्केयर एज इट इज माइनस का फोर और माइनस का फोर माइनस का एट और इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का एट स्टूडेंट लेकेर इज इक्वल टू फोर क्योंकि डिवाइड हो जाएगा और अगर आप इसका लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें ले, तो लैमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू तो बेटा यहाँ पे लेमडा की दो वैल्यूज आई है एक प्लस टू है और एक माइनस टू है प्लस टू से अलग हम सॉल्व करेंगे माइनस टू से अलग सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को तो स्टूडेंट सबसे पहले वेअर लैमडा इज इक्वल टू टू सबसे पहले मैं पॉजिटिव लैमडा से सॉल्व कर रहा हूँ गीवन सिस्टम ऑफ़ इक्वेशन बिकम्स जो आप लोग की इक्वेशन दी हुई थी तब जब आप लोग को लेमडा की वैल्यू नहीं मालूम थी अब यहाँ पर आप लैमडा की वैल्यू टू रिप्लेस कर दें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तो आप देख सकते हैं एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री इज ईक्ल टू जीरो ये है सिस्टम ऑफ मोजीनियस इक्वेशन इस होमोजीनियस इक्वेशन के सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको ए मैट्रिक्स में तो हेयर ए मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा वन फोर टू एंड टू वन माइनस थ्री थ्री टू एंड माइनस का फोर ये है आपके पास ए मैट्रिक्स हम सबसे पहले इसको कर, इसको रिड्यूस करेंगे एचुलन फॉर्म में तो स्टूडेंट इसको एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका नाउ वी कन्वर्ट ए इन टू फॉर्म एचुलन फॉर्म क्या है

क्योंकि थ्री से अगर हम आर वन को मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस थ्री हो जाएगा और प्लस थ्री ये बन जाएगा जीरो तो स्टूडेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर बाई आर टू माइनस टू आर वन एंड आर थ्री माइनस थ्री आर वन ये दोनों ऑपरेशन है जो यूज करने हैं सेकेंड रो में और थर्ड रो में तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं वन फोर टू जीरो माइनस सेवन माइनस सेवन जीरो माइनस टेन एंड माइनस टेन आपकी सेकेंड रो भी चेंज होगी और आपकी थर्ड रो भी चेंज होगी स्टूडेंट आप लोगों ने इस माइनस सेवन को अब आपने क्या बनाना है वन बनाना है तो, अगर आप ने -7 को 1 बनाना है, तो आप पूरी रो को माइनस सेवन से क्या कर, दे? Divide कर दे. तो student, -7 से अगर आप इसको divide करेंगे, तो आप देख सकते हैं by -1 into R2. Basically, उसने negative से पहले इसको मल्टीप्लाई किया आर टू से तो स्टूडेंट यहां पर माइनस सेवन है तो बेसिकली इसको आप क्या करेंगे माइनस सेवन से स्टूडेंट इसको आप डिवाइड करेंगे ये कर लें, तो ये बन जाएगा जीरो वन एंड वन तो ये आप लोगों की सेकेंड रो चेंज होगी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है बाई आर थ्री प्लस टेन आर टू यानी आप लोगों ने इस वन की मदद से इसको जीरो बनाना है माइनस टेन को अगर आप लोगों ने माइनस टेन को जीरो करना है तो यहां पे ऑपरेशन यूज हुआ आर थ्री प्लस टेन आर टू यानी आप टेन से आर टू को मल्टीप्लाई करेंगे और आर थ्री में ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं वन फोर टू आप लोगों की जो सेकेंड रो है जीरो वन वन और आप लोगों की थर्ड रो क्या बन गई जीरो 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 स्टूडेंट तो आप लास्ट लेक्चर से और इस लेक्चर में भी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो आप लोगों की जो थर्ड रो है वो क्या बन जाती है जीरो 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 इसके अलावा आप लोगों के पास जो सिर्फ दो नॉन जीरो रोज बचती है वन फोर टू और जो सेकेंड रो बचती है वो जीरो वन वन तो अगर आप इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखते हैं तो इक्वलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज एक्स प्लस फोर एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो और सेकंड इक्वेशन आप लोग की क्या बनती है एंड तो और आप लोग के पास जो इक्वेशन गिवन है अब आपके पास दो है तो दो इक्वेशन से अगर आप लोगों ने तीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका तरीका कार किया है तो आप लोग लेट कर लेक्स थ्री को टी के बराबर तो स्टूडेंट लेट कर लिया एक्स थ्री किसके बराबर है टी के इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर टू में तो वी गेट एक्स टू बराबर आ जाएगा माइनस टी के तो स्टूडेंट एक्स टू की वैल्यू भी मिल गई और एक्स थ्री की वैल्यू भी मिल गई एक्स टू और एक्स थ्री दोनों की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें तो पुट एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू इज इक्वल टू माइनस टी एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू टी अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर वन में पुट करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट एक्स वन प्लस फोर इंटू माइनस टी प्लस टू टी और एक्स वन इज माइनस टू टी इज इक्वल टू एक्स वन बराबर है टू टी तो स्टूडेंट एक्स वन की वैल्यू टू टी है एक्स टू की वैल्यू माइनस टी है और एक्स थ्री की वैल्यू प्लस टी है ये तीनों के तीनों वैल्यू सोलूशन सेट में अगर आप लिख दें तो सो वेन लैमडा इज इक्वल टू टू देन सोलूशन सेट इज एक्स वन इज इक्वल टू टू टी एंड कोमा एक्स टू इज इक्वल टू माइनस है एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू टी और टी बिलोंग टू रियल नंबर ये है वैल्यू क्या है माइनस के टू ये माइनस टू आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है तो अगर आप रिप्लेस करते हैं तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन जाता है एक्स वन प्लस फोर एक्स टू माइनस टू एक्स थ्रीवल टू है टू जीरो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जहां से आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो स्टूडेंट आप लोगों ने क्या कर रहे हैं सबसे पहले आप लोगों ने हेर एक मैट्रिक्स ए बना लेना वन फोर माइनस टू टू वन माइनस थ्री थ्री माइनस टू एंड माइनस का फोर स्टूडेंट आप क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे यानी इसको रिड्यूस करेंगे या इसको इस फॉर्म एच एल फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं नाउ वी कन्वर्ट ए इन टू फॉर्म तो एच फॉर्म क्या है बेसिकली इस वन की मदद से टू और three को जीरो करना है तो आर टू माइनस टू आर वन एंड आर थ्री माइनस थ्री आर वन यानी सेकेंड रो भी चेंज हो जाएगी और थर्ड रो भी चेंज हो जाएगी स्टूडेंट वन फोर एंड माइनस टू ये आप लोगों की है फर्स्ट रो वो एज इट इज रहेगी जो आपकी सेकेंड रो है वो आप लोगों की क्या बनगी जीरो माइनस सेवन एंड वन

माइनस फोर्टीन को आप लोगों ने क्या बनाना है जीरो बनाना यहां पर जो आप लोग ऑपरेशन यूज करेंगे वो ऑपरेशन क्या है कि ऑपरेशन यूज करेंगे आर थ्री प्लस फोर्टीन आर टू इसका मतलब है कि आप लोगों की जो थर्ड रो है वो बन जाएगी जीरो 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 देख सकते हैं आपकी फर्स्ट रो भी चेंज नहीं हुई है सेकेंड रो भी चेंज नहीं हुई है और फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों नॉन जीरो रोज हैं ये नॉन जीरो रोज जो है इनको हम क्या करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख लेंगे और जो आप लोग की जीरो रोज है उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख नहीं सकते तो स्टूडेंट आप लोग की जो दो सकतेवेशन बनती है वो इक्वेशन क्या है वो आप देख लें एक्स वन प्लस टू एक्स थ्रीवल टू जीरो सेकेंड इक्वेशन है एक्स टू माइनस वन बाई सेवन एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट आप लोग के पास दो इक्वेशन है और आप लोग के पास अननोन वेरिएबल वो तीन है एक्स वन है एक्स टू है और एक्स थ्री है आप क्या करेंगे आप लेट कर लेंगे क्योंकि बेसिकली अगर आप सेकेंड इक्वेशन में जहां पर आप लोगों के पास एक्स थ्री नजर आ रहा है वहां पर सेवन टी पोट करें तो सेवन सेवन से कैंसिल हो जाएगा जस्ट टी बच जाता है तो एक्स टू इज इक्वल टू टी आ जाता है यानी इट्स मीन एक्स टू की वैल्यू भी गई और एक्स थ्री की वैल्यू भी गई तो एक्स टू की वैल्यू और एक्स थ्री की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में आप क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो पुट एक्स टू इज इक्वल टू टी एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू सेवन टी इन इक्वेशन नंबर वन यानी आप लोग पुट कर दें तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक्स वन प्लस फोर टी माइनस फोर्टीन टी और एक्स वन इज इक्वल टू टेन टी क्योंकि माइनस का टेन टी बचता है वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का टेन टी तो स्टूडेंट ये है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू की मदद से वैल्यूज की मदद से हमने एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री का आंसर निकाला स्टूडेंट सेट इज क्वल टू टेन टी एक्स टू इज इक्वल टू टी एंडल टू है क्वेश्चन नंबर का जो सेकंड पार्ट था जिसमें दो लेमडा की वैल्यू निकली एक प्लस टू और एक माइनस टू प्लस टू से भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया माइनस टू से भी क्वेश्चन सॉल्व किया यानी लेमडा की जितनी वैल्यूज होंगी उतनी वजह से आप लोगों के जितने भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेंगे उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की मदद से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स ये थे होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका कार किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में तो स्टूडेंट यहां तक था हमारा आज का लेक्चर अल्लाह हाफिज